वो जो डायग्राम था, डायग्राम क्या था, ये जो डायग्राम था, ए डायग्राम था, ए डायग्राम था, ये है साई एल प्लस ए माइनस ए एल, बी था कुछ इस तरह से था, ए साई ए एल ए माइनस एल माइनस ए एक्स एक्स, सी जो था कुछ इस तरह से था, ए साई ए एल ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए एल, और डी जो था कुछ इस तरह से था, साई ए जो था माइनस एल माइनस एल माइनस ए प्लस एल। सो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इस ए पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो था पोटेंशियल कुछ इस तरह से था, माइनस एल एल ए था माइनस ए ए, इसमें तो जीरो पॉइंट था, पोटेंशियल कुछ इस तरह से सिमेट्रिक पोटेंशियल है, और सिमेट्रिक पोटेंशियल का जो वेव फंक्शन भी सिमेट्रिक होगा, किंतु क्योंकि ये पार्टिशन भी सिमेट्रिक है, सो इस सिमेट्रिक आकार में इसका डिस्टॉर्शन आएगा, सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ए बी सी कभी भी नहीं होगा, ए बी सी कभी भी नहीं होगा, बी तो कभी भी नहीं होगा, बी कभी भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 मैं ये जो जेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जेस्ट का क्वेश्चन था 2021 का, ये क्वेश्चन था आपका बुकलेट सी का था, बुकलेट सी। सो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 ए था। ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए मैग्नीट्यूड एल, ओके, इज सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल पोटेंशियल वी ऑफ आर इक्वल टू के एल एन आर, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, आर इक्वल टू मॉड आर, ए वेक्टर का मॉड आर, व्हाट इज द आर इज द रेडियस, विल हैव सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस ऑर्बिट आर स्टेबल और अनस्टेबल। इसका जो ऑप्शन था ए ऑप्शन था आर इक्वल टू एल डिवाइडेड रूट अंडर के एम टू के एम अनस्टेबल ऑर्बिट। बी जो ऑप्शन था आर इक्वल टू रूट अंडर टू के एम एल स्टेबल ऑर्बिट। सी जो था आर इक्वल टू एल डिवाइडेड रूट अंडर के एम अनस्टेबल ऑर्बिट, और डी जो था आर इक्वल टू एल डिवाइडेड रूट अंडर के एम स्टेबल ऑर्बिट। इसका जो आंसर था ये आंसर करेक्ट होगा। कैसे होगा इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये 13 क्वेश्चन है। जो वी इफेक्टिव होती है एल स्क्वायर डिवाइडेड 2mr² प्लस वी। सो पोटेंशियल क्या गिवेन है, एल स्क्वायर डिवाइडेड 2mr² प्लस क्या होगी के एल एन आर। सो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डी आर इक्वल टू क्या होगी माइनस एल स्क्वायर 2 इंटू 2mr³ प्लस के डिवाइडेड आर इक्वल टू ज़ीरो होगी। इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे, सो आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगी एल डिवाइडेड रूट अंडर के एम। ये जो हम आर की वैल्यू निकल, ये जो हम सिंपल प्रोसेस था, सिंपल जब हम एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे ये निकल आएगा। नाउ आर का वैल्यू है एल डिवाइडेड रूट अंडर के एम। नाउ ए स्टेबल और अनस्टेबल है, सो डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव डिवाइडेड डेल आर स्क्वायर जो होगी, इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगी प्लस एल स्क्वायर 3 डिवाइडेड एम आर टू दी पावर 4 माइनस के डिवाइडेड आर स्क्वायर इक्वल टू। ये क्या होगी, ये प्लानट के ऑर्बिट में आर क्या होती है, सन से एक अर्थ की आर का जो वैल्यू होती है सेमी मेजर अक्ष और डिस्टेंस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा में ये जो वैल्यू होगी उसका जो इनवर्स टू द पावर 4 होगी वो टेंस टू 0 होगी। सो ये डोमिनेट कर रहा है, सो ये जब डोमिनेट करेगा सो डेल स्क्वायर भी इफेक्टिव जो होगी
डेल आर स्क्वायर जो होगी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो जहाँ होगी वो होगी अनस्टेबल ऑर्बिट, अनस्टेबल ऑर्बिट ये जो होगी अनस्टेबल ऑर्बिट। सो ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए एंगुलर मोमेंटम एल 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 इज ए क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिक्स एल इज ऑपरेटर, इज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इज क्वांटम मैकेनिक्स, द वैल्यू ऑफ द एल क्रॉस एल इसका जो वैल्यू क्या होगी। सिंपल प्रोसेस था, ये जो होगी इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, एल एक्स एल वाई एल जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड। सो ये क्या होगी आई कैप एल वाई एल जेड माइनस 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 क्या होगी, माइनस होगी, माइनस होगी एल जेड एल वाई प्लस जे कैप एल एक्स एल जेड माइनस एल जेड एल एक्स प्लस के कैप एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ओके सिंपल डिटर्मिनेंट लेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसको निकल आएंगे। सो ये जो होगा अल्टीमेटली जो होगा इक्वल टू आई कैप, ये जो होती है ये क्या होती है आई एच कर, आई एच कर क्या होती है एल जेड वाई जेड एल एक्स एल एक्स प्लस आई एच कर, आई एच कर होगी प्लस आई एच कर एल वाई प्लस आई एच कर एल जेड। सो आई एच कर कॉमन आउट लेंगे, ये जो जे कैप ये जो के कैप ये जो है आई कैप। सो आई कैप एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड। सो आई एच कर एल वेक्टर। सो आंसर इसका जो आंसर था बुगलेट सी में जो था बी आंसर करेक्ट होगा, बुगलेट सी का करेक्ट होगा करेक्ट। ये भी सिंपल सिंपल था, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे क्योंकि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो एल एक्स का जो एंगुलर मोमेंटम कौन होता है वो क्या होती है एल एक्स, एल एक्स का जो एल वाई कॉमा एल जेड जो होती है आई एच कर एल एक्स, एल एक्स कॉमा एल वाई जो होती है आई एच कर एल जेड, एल जेड कॉमा एल एक्स जो होती है आई एच कर एल वाई, ये जो होती है एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, ये जो होती है एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ये जो होती है एल जेड एल एक्स माइनस एल एक्स एल जेड। ओके ये भी सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में था। मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये बुकलेट सी के था, जेस्ट 2021 बुकलेट सी का था, बुकलेट सी जेस्ट 21 का था, बुकलेट सी जेस्ट 21 का था। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर सी को क्वेश्चन नंबर 15 जो है ए स्पेस सी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ विथ ए रिलेटिविस्टिक स्पीड, ए स्पेसिप एक स्पेसिप है जो वी रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव हो अर्थ से दूर जा रहा था, फायर ए शटल क्राफ्ट, उस स्पेसिप के ऊपर एक शटल क्राफ्ट था जो हॉलीवुड सिनेमा में होती है,
फॉर ए वार्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसका जो उस स्पेस में स्क्रैप था उस स्पेस में एक्सप्रेसिव था, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के भी स्पेस में रिलेटिव टू स्पेस डायरेक्शन सेटल ऑफ द स्क्रैप, जखन जब उसका इंजन चालू हुआ स्पेसशिप, जो स्पेसशिप एक्सप्रेसिव में उसके ऊपर एक्सप्रेसिव है, मेन स्पेसशिप अर्थ से भी स्पीड से बाहर दूर जा रहा था, उसके जो है अर्थ है और स्पेसशिप उसके ऊपर एक्सप्रेसिव है, ये दूर जा रहा था। तब क्या हुआ, इसका इंजन चालू हुआ, उसका इंजन भी रिलेटिव वेलोसिटी चालू हुआ। सो द पायलट अब द शटल लॉन्च द प्रोब, एबार वो इस शटल को लॉन्च कर दिया। सो स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च किया, सो स्पीड ऑफ द वी रिलेटिव टू शटल, ये जो वी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में वी है वी, सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द प्रोब रिलेटिव टू द अर्थ, सो इसका जो वेलोसिटी इस अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मगर इसको हम करने से पहले इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक क्या है, आप पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए 3v, ऑप्शन बी 3 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस 3 वी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर एवं वी, और ऑप्शन सी था, माने सी बुकलेट में सी था, ऑप्शन बी था 3v डिवाइडेड 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और डी था 2v डिवाइडेड 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस वी। नाउ ए आर्थ था, इसमें एक्सप्रेसिव वी स्पीड से जा रहा था, इसको लॉन्च किया, इसके ऊपर एक्सप्रेसिव था, उसके ऊपर वी लॉन्च किया, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। आप हम एक एजम्पशन लेंगे, जो ये भी था, इसको हम सी मैक्सिमम स्पीड सी ले लेंगे, सी जब लेंगे तब इसमें हम सी पुट करेंगे तब होगा 3c होगा, इसमें हम सी पुट करेंगे सी होगा, इसमें हम सी पुट करेंगे ए होगा हमारा 3c होगा, और 3c नहीं होगा, ये अनडिफाइंड होगा और इन्फिनिट होगा, और इसमें हम सी पुट करेंगे इसका जो आंसर रहेगा 2c होगा। एबार आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में जो होती है स्पीड ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन में किसी भी रेफरेंस फ्रेम में सी होती है, आप जितनी भी स्पीड में जाओ जितनी भी स्पेसशिप जाए उसके ऊपर जितनी भी स्पेसशिप हो वो जितनी भी स्पीड में उसका अल्टीमेट साम क्या होगा सी होगा। सो आप जब हम वी को सी में पुट करेंगे ऑप्शन में तब आपका जिसमें वी इक्वल टू सी आएगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा क्योंकि सी से ग्रेटर देन कोई भी लाइट का स्पीड से ज़्यादा कोई भी स्पेसशिप मूव नहीं कर सकता। किसी भी इंफॉर्मेशन स्पेशल थ्योरी का जो एजम्पशन है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स इंफॉर्मेशन लॉ जो बोलती है लाइट से वेलोसिटी के ज़्यादा कोई भी जा नहीं सकता, एक ट्रिक्स हो गया, ये हो गया ट्रिक्स। नाउ इसको हम एनालॉग भी सॉल्व करेंगे, सो वेलोसिटी एरिक्सन लॉ हम लेंगे। सो वेलोसिटी एरिक्सन लॉ से क्या होगा, वी प्राइम क्या होगा वी प्लस यू डिवाइडेड वन प्लस वी यू सी स्क्वायर, ये होगा। तो ये जो होगा ये क्या होगा, जीरो प्लस वी डिवाइडेड वन प्लस जीरो, ओके सॉरी स्पेसशिप और क्राफ्ट की, स्पेसशिप ऑफ क्राफ्ट की पहले हम निकल लेते हैं, स्पेसशिप ऑफ क्राफ्ट की सो वी प्लस वी डिवाइडेड वन प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। स्पेसशिप का क्या है, ये अर्थ है स्पेसशिप उसके ऊपर स्पेसशिप है, वी भी है इसका जो होगा वी प्लस वी, सो क्या होगा 2v 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। नाउ आर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वी प्राइम टिल्डा जो होगा 2v डिवाइडेड 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस वी डिवाइडेड 1 प्लस 2v 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू वी, उसके बाद सी स्क्वायर,
ये जो होगा वी प्राइम प्लस वी डिवाइडेड वन प्लस वी प्राइम वी डिवाइडेड सी स्क्वायर। इस वी प्राइम को हम इसमें पुट कर देंगे। नाउ इसको हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन से जो आएगा वी टिल्डा बार जो आएगा थ्री प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस थ्री वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वी। ये आंसर होगा, इसका जो आंसर सी आंसर करेक्ट होगा। ओके नाउ ये भी क्वेश्चन एवरेज था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बुकलेट सी का क्वेश्चन नंबर जो 16 है, जस्ट 2021 का बुकलेट सी का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो मैं बस रीड कर रहा हूँ। ए आइडियल गैस ऑफ टेम ए आइडियल एन आई ओ ठीक है मैं लिख ही देता हूँ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम विथ द एक्स कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी वी एक्स। एक्स कंपोनेंट वो जो भी है वन डायमेंशन है। द एवरेज वैल्यू ऑफ मॉड वी एक्स क्या होगी, इस मॉड वी एक्स क्या होगी। इसका जो ऑप्शन था ए जीरो, बी था रूट अंडर थ्री के टी डिवाइडेड एम, सी था रूट अंडर के टी डिवाइडेड टू एम पाई, डी था रूट अंडर टू के टी डिवाइडेड पाई एम। इसका जो आंसर जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जो ट्रिकी क्वेश्चन था इसका मॉड लेने मॉड का आपका पूछा है। मॉड वी एक्स माने वन डायमेंशनल वेलोसिटी कंपोनेंट का मॉड पूछा है, नॉट वी। जो मॉड नहीं होता तो सिर्फ वी होता वन डायमेंशन तो जीरो होता, मगर ये मॉड पूछा है। सो इसका जो आंसर होगा इसको हम मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व कर सकते हैं इसका। सो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लिखेंगे, मैक्सवेल वेलोसिटी लॉ हम लोग क्या होती है। सो जो होगी वी एक्स मॉड एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी रूट अंडर ये जो है रूट अंडर ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड टू के टी वी एक्स इन्फिनिट टू जीरो। मॉड है तो हम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट लेंगे, ये मॉड फंक्शन है। सो इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड टू के बी टी वी एक्स डी वी एक्स होगा ये जो होगा एम बाई टू पाई के टी ए वी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों लेंगे क्योंकि ये मॉड का फंक्शन था मिसोर टू बी के टी। सो ए जो होगा रूट अंडर टू एम बाई टू पाई के टी। अब ए जो इंट्रीगल है इस इंट्रीगल का एक वैल्यू होती है जीरो टू इन्फिनिट इंट्रीगल का वैल्यू होती है। ये जो एक इंट्रीगल है इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होती है मैं अब लिख देता हूँ इन्फिनिट टू ज़ीरो ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स
डीएक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका जो वैल्यू होती है, वन डिवाइडेड टू अल्फा, इसका जो वैल्यू होती है वन डिवाइडेड टू अल्फा, हाफ इंटू अल्फा, हाफ इंटू अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा है एम बाई टू के टी, ओके। इसका जो वैल्यू होता है हाफ इंटू वन बाई अल्फा। सो नाउ ये जो होगी टू इंटू रूट अंडर एम बाई टू पाई के टी इंटू हाफ इंटू अल्फा का जो वैल्यू है, एम टू के टी, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा, टू रूट अंडर एम बाई के टी इंटू के टी डिवाइडेड एम, नाउ ये जो होगा सबको रूट अंडर में ले लेता है, टू 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 का होगा फोर होगा एम बाई टू पाई के टी इंटू के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड एम स्क्वायर, जो कि टू पाई यहाँ भी होगी। सो टू से टू कैंसिल आउट होगा, ए से एक कैंसिल आउट होगा, सो अल्टीमेटली जो आएगा टू बाई पाई के टी डिवाइडेड एम रूट अंडर। सो इसका जो आंसर है डी आंसर करेक्ट होगा, बुगलेट सी का डी आंसर करेक्ट होगा, ओके। डी आंसर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दिया था, एक ऑप एम्प दिया था, एक ऑप एम्प आइडियल ऑप एम्प का एक सर्किट दिया था क्वेश्चन बुकलेट सी में, जो आर का जो रेजिस्टेंस था आर इक्वल टू था 10 किलो ओम, वी V1 था माइनस 10 मिली वोल्ट, V2 था माइनस 30 मिली वोल्ट, उसका V आउटपुट निकलना, सर्किट जो था सर्किट ए था, ए सर्किट था माइनस प्लस, ए ग्राउंडेड था, इसमें एक सर्किट था माइनस प्लस, ए ग्राउंडेड था, इसका जो एक रेजिस्टेंस था ए था V2, एक इसमें था ए था V आउटपुट, तो आर था V1 ए सर्किट था। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे वर्चुअल शॉर्ट सर्किट में जो होती है, ए जब जीरो होगा इसका भी वोल्टेज जीरो होगा, और इसका भी वोल्टेज जीरो होगा, पहले हम इस पार्ट को, ले लेते हैं V01, V आउटपुट 1। सो इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब क्या है, हम एज्यूम करते हैं करंट इसमें से इसमें जा रहा है, सो ये जो करंट होगा और ये जो करंट होगा सेम करंट होगा, सो V1 माइनस जीरो डिवाइडेड R इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, जीरो माइनस V01 डिवाइडेड R, ये R था डिवाइडेड R। सो इसमें V01 क्या आएगा,
आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो भी जीरो वन जो आएगा, भी जीरो वन जो आएगा माइनस बी वन, भी जीरो वन आएगा माइनस बी वन। नाउ ए पार्ट हमारा हो चुका है, भी जीरो वन का वैल्यू आ चुका है माइनस बी वन, सो इसको हम रब करके ये जो है ए भी टू, ए है माइनस बी वन, ए आई करंट है, ए आई वन करंट है, ए आई वन करंट है, आई टू करंट है, ए आई करंट है, सो जो होगी माइनस बी करंट इधर से इधर जा रही है, तो माइनस बी वन इसका भी पोटेंशियल, इसका भी वोल्टेज जीरो होगा, माइनस बी वन डिवाइडेड जीरो डिवाइडेड आर प्लस आई वन आई का जो एडिक्शन है वो आई करंट है, सो वी टू माइनस जीरो डिवाइडेड आर इक्वल टू जो होगी, इक्वल टू जो होगी जीरो माइनस बी नॉट डिवाइडेड आर, जीरो माइनस बी नॉट डिवाइडेड आर। सो ये होगी, सो आर 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी नॉट का जो वैल्यू होगा माइनस वी नॉट जो होगा, माइनस वी नॉट होगा वी वन माइनस वी टू, सॉरी माइनस वी नॉट जो होगा, माइनस वी नॉट होगा वी टू माइनस वी वन, सो वी नॉट होगा वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू। और वी वन का वैल्यू क्या दिया था, वी वन का वैल्यू दिया था माइनस टेन, और वी टू का वैल्यू दिया था, वी टू का वैल्यू दिया हुआ था, वी टू का वैल्यू दिया हुआ था माइनस थर्टी, सो माइनस ऑफ माइनस थर्टी, माइनस ऑफ माइनस थर्टी, सो अल्टीमेटली ये आएगा, अल्टीमेटली ये जो आएगा ये क्या आएगा माइनस टेन प्लस थर्टी, सो ये जो आएगा 20 मिली वोल्ट प्लस 20 मिली वोल्ट आएगा। ओके सो इसका जो ऑप्शन बुकलेट सी का जो ऑप्शन था ये सी ऑप्शन करेक्ट था, सी ऑप्शन करेक्ट था। ओके नाउ जो एट बुकलेट सी का जो 18वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो था, ए ग्लास स्फीयर, ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स एन एक्ट लाइक ए लेंस विथ फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ क्या होगा, सो ये जो इसका जो एक फोकल लेंथ का जो रिलेशन होती है, फोकल लेंथ का जो रिलेशन होती है ये होती है वन डिवाइडेड एफ एन माइनस वन डिवाइडेड आर वन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड आर टू माइनस एन माइनस वन थर होल स्क्वायर डिवाइडेड आर डिवाइडेड सॉरी डिवाइडेड ए जो है एन टी डिवाइडेड आर वन आर टू। सो स्फेरिकल जो लेंस, स्फेरिकल लेंस ए है, इसका हम रेफरेंस पॉइंट ए ले लेता है, इसका जो थिकनेस है स्मॉल टी है टू आर लेते हैं। अब जब ए आर होगा तो इसका जो ए पार्ट होगा ये माइनस आर होगा, सो आर वन इक्वल टू आर, आर वन इक्वल टू आर, सो
आर टू जो होगा माइनस आर होगा, आर टू जो होगा माइनस आर होगा, सो आर टू जो होगा वो माइनस आर होगा। इस एफ इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इस रेफरेंस फ्रेम से, इस फ्रेम से जब हम लेंगे ए आर वन ए आर टू, ए नेगेटिव एक्सिस में है ए पॉजिटिव एक्सिस में है, सो इसको हम रखते हैं, सो वन डिवाइडेड एफ क्या आएगा, एन माइनस वन डिवाइडेड आर माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड आर, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन तो होल स्क्वायर डिवाइडेड एन, आर आर जो है टू आर होगा और इसका जो वैल्यू होगा आर इंटू माइनस आर, सो इसका जो आएगा वन डिवाइडेड एफ जो आएगा एन माइनस वन उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू डिवाइडेड आर, सो फोकल लेंथ जो आएगी, फोकल लेंथ जो आएगी, फोकल लेंथ जो आएगा एफ जो आएगा आर डिवाइडेड टू एन एन माइनस वन तर होल स्क्वायर, एटा प्लस साइन होगा इसका आगे, सो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो था बुकलेट सी का, ए सॉलिड स्फीयर, ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड सॉलिड सिलेंडर, बोथ ए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, स्टार्ट रोलिंग डाउन विदाउट स्लीपिंग, फ्रॉम रेस्ट द सेम हाइट, द सेम हाइट अलोंग एंड इंक्लाइन प्लेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन इसका आंसर कौन करने का, ऑप्शन ए था द स्प्रीड रीच द बॉटम फास्टर, द स्पीयर रीच द बॉटम फास्टर, सिलेंडर रीच द बॉटम फास्टर, द बिहेव ऑफ द लाइक बॉटम, बोथ आर सेम आइडेंटिकल रेडियस, जब उसका रेडियस सेम होगा तो वो सेम टाइम में सेम वेलोसिटी भी सेम होगा, रीच जो होगा वेलोसिटी भी सेम होगा, द बोथ ऑब्जेक्ट आर बॉटम एट द सेम इज रेडियस आर आइडेंटिकल एट द सेम टाइम इफ द रेडियस आइडेंटिकल, इसका जो रिलेशन है वेलोसिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रिलेशन होती है, वेलोसिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक रिलेशन होती है, हम क्लास 12 में ये रिलेशन को हम डिराइव सीबीएसई में आईसीएससी में डब्ल्यूबीसीएससी में हो तो हम इसको डिराइव कर चुके हैं, भी जो होती है भी होती है रूट अंडर 2gh 1 प्लस आई डिवाइडेड एम आर स्क्वायर, सो भी जो होती है वो रूट अंडर आई के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और स्फीयर का जो आई होती है, स्फीयर का आई होती है, स्फीयर का सॉलिड जो सॉलिड रिंग जो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का जो आई होती है सिलेंडर वो होती है स्फीयर का होती है 2y5 एम आर स्क्वायर, और इसका जो होती है इसका होती है सॉलिड का होती है हाफ एम आर स्क्वायर, सो आई जिसका ज़्यादा ए इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस होती है, आई जिसका ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतना कम होगा, आई
स्काई ज्यादा है, स्काई कम है। सो स्फीयर, स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, फर्स्टर। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट है, स्फीयर पहले पहुंचेगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है। नाउ जो 20 क्वेश्चन था, 20 वाला क्वेश्चन जो था, लेट ए बी सी डी ई एफ बी ए बी ए रेगुलर हेक्सागोन द वेक्टर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ विल बी क्या होगा। सो एक हेक्सागोन है, ये है, ये है, ये है, ए बी सी डी ई एफ। सो इसका हम वेक्टर सम लेंगे। सो ए बी क्या होगा, ए बी इसी का क्या वेक्टर सम होगा, ए बी प्लस बी सी। ए डी का क्या वेक्टर सम होगा, ए सी प्लस सी डी। और ए ई का क्या वेक्टर सम होगा, ए डी प्लस ए ई। और क्या होगा, ए ई। इसका ए बी और ए ई सेम जिनिस सेम है, तो इसको हम करके इसको हम टू लिख देते हैं। और ए डी, ए डी यहाँ पर भी है, और ए सी सी डी जो है ए वी ए डी है, ए वी ए डी है। सो इसको हटा के हम यहाँ पर टू लिख देता है। ए बी और बी सी जो है, ए बी और बी सी जो है, ए बी और बी सी जो है वो ए सी है, ए है ए सी, ये है ए सी। और ए सी है टू ए सी हो गया, ये टू ए सी हो गया, ये टू ए सी हो गया। और टू ए सी क्या होती है, टू ए सी होती है, टू ए सी होती है ए डी से ज़्यादा होती है। टू ए सी, टू ए सी जो होती है ये ए डी से ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली क्या होती है, यहाँ पर टू ए बी है, यहाँ पर ए सी है, तो यहाँ पर एक ए डी ऐड हो जाएगा, टू ए बी, टू ए डी, टू ए डी प्लस ए डी। क्योंकि टू ऑफ ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी जो होती है ए डी होती है। सो इसका जो आंसर है थ्री ए डी आएगा। सो इसका जो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। सो सो बुगलेट, सो बुगलेट सी का 21 का जो 21, 22, 23, 24, 25, ए आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें से जो भी आप नहीं ट्राई करके भी नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप हम कमेंट, आप हमको कमेंट पे बताएंगे, हम इसमें से सभी को किंबा इस पांच में से सभी को किंबा जिस जिस जो भी नहीं हो रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इस तीनों को जरूर ट्राई करेंगे। बुकलेट, बुकलेट सी होती है, बुकलेट सी।
बुकलेट सी का। एक दो है आपका इसमें से, इस पांच में से दो है आपका ऑप्टिक्स का, एक है एटॉमिक फिजिक्स का, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और ये थर्मोडायनामिक्स। ओके नाउ ये हमारा पार्ट ए का डिस्कशन हो गया, पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट ए कंप्लीट। नाउ पार्ट बी का, पी ए आर टी पार्ट ए पार्ट बी बुकलेट सी। पार्ट बी जो, पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन था बुकलेट सी का वो था, जो क्या क्वेश्चन था, वन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन था, ए लार्ज ए लार्ज बॉक्स ऑफ वॉल्यूम भी इज फिटेड विथ ए वर्टिकल ग्लास, वर्टिकल ग्लास ट्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन व्हिच ए मेटल बॉल मास एम फिट एग्जैक्टली द बॉक्स कॉन्टेन एन आइडियल गैस एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन एटमोस्फियरिक प्रेशर पी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉल, इफ द बॉल इज डिस्प्लेस slightly from from equilibrium fine the angular frequency omega of simple harmonic oscillator assuming this is the adiabatic condition, adiabatic condition jo hoti hai cp divided cv, gamma jo hoti hai cp divided cv, so iska jo option hai ye option d option jo tha wo d option correct tha, so isko hum solve karenge, iska ek diagram bhi diya tha, diagram kya tha, ek box hai, एक बॉक्स है, एक है, ये जो है ये है, इसका बॉल है, इसमें से प्रेशर आया था और इसमें से बॉक्स, इसमें से एयर प्रेशर, ओके नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो है पी जो होती है पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड ए, बिकॉज एक प्रेशर होगी बॉक्स का अंदर से जो प्रेशर होगी वो प्रेशर होगी, लिक्विड का जो प्रेशर होगी और प्रेशर होगी एटमोस्फेयरिक का प्रेशर। सो जब जब हम इसको दबाएंगे पी टू जब होगा पी वन प्लस डेल्टा पी होगा, प्रेशर बढ़ जाएगी और वी टू वॉल्यूम जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब आप बॉल को इसमें दबाएंगे तब क्या होगा? हेलो बोलो सड़न ठीक है ठीक है। ये जो होगा पैसे जो होगा ये प्रेशर होगा, प्रेशर जब बढ़ जाएगी और वॉल्यूम घट जाएगी, वॉल्यूम घट जाएगी। ओके वॉल्यूम घट जाएगी। सो उस ये जो कंडीशन है पी वन वी वन टू दी पावर गामा पी टू वी टू टू दी पावर गामा, ये एडियाबेटिक का रिलेशन होती है। सो इसमें हम पुट करेंगे ये, सो पी वन वी टू दी पावर गामा पी वन प्लस डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा वी टू दी पावर गामा। सो पी वन वी टू दी पावर गामा पी वन वी टू दी पावर गामा वन प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड पी वन, हम इसमें पी वन कॉमन लेते हैं, इसमें से पी वन कॉमन लेंगे पी वन, उसके बाद हम वी वन कॉमन लेंगे वन माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड वी टू दी पावर गामा। नाउ पी वन वी वन टू दी पावर गामा पी वन वी वन टू दी पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये जो होगा वन प्लस डेल्टा पी वन डिवाइडेड पी वन वन माइनस जो डेल्टा भी है जो स्मॉल है तो गामा यहाँ आ जाएगा। सो वन इक्वल टू क्या होगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड पी वन माइनस डेल्टा भी डिवाइडेड भी गामा माइनस डेल्टा पी डेल्टा भी गामा डिवाइडेड पी वन भी पी वन भी। सो ए भी स्मॉल टर्म है ए भी स्मॉल टर्म है, सो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो आएगा अल्टीमेटली जो हमारा ये आएगा डेल्टा पी जो आएगा डेल्टा भी गामा डिवाइडेड भी पी वन। अब डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है फोर्स पर प्रेशर है फोर्स पर एरिया और गामा डिवाइडेड भी, और पी वन क्या है? पी वन है पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड ए, ये है पी वन। और डेल्टा भी क्या, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा भी ए इंटू एक्स, एस क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, इस भी को हम लिख सकते हैं डेल्टा भी को, ये है डेल्टा भी। सो अब हम जो पाएंगे डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड डी टी स्क्वायर, फोर्स जो होती है ये होती है गामा ए स्क्वायर डिवाइडेड वी टू दी एम, एम जो होती है मास होती है पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड ए एक्स। नाउ ये है, नाउ ए जो टर्म है ये क्या है?
यह ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है। सो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा रूट अंडर गामा ए स्क्वायर पी प्लस पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड ए वी एम। और पी नॉट जो है पी के बराबर है, ए हम लोग क्वेश्चन में आ। सो ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर टू जो था, क्वेश्चन नंबर टू जो था क्वेश्चन नंबर टू जो था क्यू टू पार्ट बी का जो क्वेश्चन नंबर टू था, कंसीडर 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 ए फोर डी वेक्टर स्पेस भी दैट इज ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू डी वेक्टर स्पेस वी वन एंड वी टू ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एच एक्टिंग ऑन वी इज स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एच वन एंड एच टू एक्टिंग ऑन वी वन एंड वी टू रिस्पेक्टिवली इन पार्टिकुलर केस, इन ए पार्टिकुलर बेसिस, इन ए पार्टिकुलर बेसिस जो है एच वन जो है 3002, एच टू जो है 2111। सो लोएस्ट वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यू, एच का जो लोएस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा, लोएस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा। सो हम इस डायरेक्ट वेक्टर स्पेस का डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर स्पेस का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, जो एच वन, एच वन जो एच जो होगा, एच वन जो होगा, एच जो होगा अल्टीमेटली एच जो होगा, अल्टीमेटली एच होगा एच वन वी वन प्लस एच टू वी टू। सो एच टिल्डा जो वन जो होगा एच वन वी वन, एच टिल्डा टू जो होगा एच टू वी टू। देखो नाउ इसका हम आइगन वैल्यू एच वन एच टू का, एच वन एच टू का आइगन वैल्यू लेंगे हम, एच वन जो है 3002, इसका जो आइगन वैल्यू 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा वन जीरो, टू माइनस लैम्डा वन, इसका जो आइगन वैल्यू होगा, ये आइगन वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू जीरो, थ्री माइनस लैम्डा वन, टू माइनस लैम्डा, सॉरी टू माइनस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो, इसका जो आइगन वैल्यू होगा होगा सिक्स माइनस, सिक्स माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो लैम्डा वन जो होगी, लैम्डा वन जो होगी, लैम्डा वन जो होगी थ्री एंड टू, इसका वैल्यू होगी। नाउ एच टू का हम आइगन वैल्यू निकल के देखेंगे, एच टू का आइगन वैल्यू, एच टू का आइगन वैल्यू, सो लैम्डा वन जो है थ्री एंड टू,
टू माइनस लैम्डा टू, वन 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 माइनस लैम्डा टू तो ज़ीरो। सो इसका जो आइगन वैल्यू होगा टू माइनस लैम्डा टू, वन माइनस लैम्डा टू इक्वल टू, सॉरी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। ओके सो ये जो होगा टू माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, टू माइनस लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो लैम्डा टू थ्री लैम्डा टू, सो लैम्डा टू होल स्क्वायर, लैम्डा टू होल स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा टू प्लस वन। इसको हम सीधारो आचार्य में पुट करके जब सॉल्व करेंगे, सीधारो आचार्य जो सीधारो आचार्य जो कि जो रिलेशन होती है उसको हम सॉल्व करके जब पुट करेंगे इसको, सो लैम्डा टू क्या होगा, लैम्डा टू होगा, लैम्डा टू होगा माइनस बी, माइनस बी जो है प्लस थ्री प्लस माइनस टू अंडर बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर ए सी डिवाइडेड टू। सो ये जो होगा प्लस थ्री प्लस माइनस रूट अंडर फाइव डिवाइडेड टू। सो मिनिमम जो आइगन वैल्यू क्या होगी, हाफ थ्री माइनस रूट फाइव, यही सबसे मिनिमम होगी क्योंकि थ्री एक इंटीजर है, इसका जो प्लस लेंगे आप तभी मैक्सिमम होगी। सो ये जो वैल्यू होगा यही सबसे मिनिमम होगा। सो इसका जो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ हमारा जो क्वेश्चन नंबर थ्री है पार्ट बी का, बुकलेट सी का क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का जो थ्री है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ए पार्टिकल एन एनर्जी आइगन स्टेट इन्फिनिट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल बिटवीन द एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू एल, द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एल एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल बाई थ्री में क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इस होमवर्क आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका जो आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका जो आंसर है वन बाई थ्री होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बुकलेट सी का पार्ट बी का जो तीन नंबर क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर एक सर्किट डायग्राम, बुकलेट सी का जो क्वेश्चन है पार्ट बी का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, वो जो फोर्थ था ए सर्किट डायग्राम, ए सर्किट द सर्किट डायग्राम, द सर्किट गिवन इन द फिगर बिलो इज कंपोजिट ऑफ आइडियल डायोड एंड रेजिस्टेंस आर, द इनपुट वे फ्रॉम इज शोन ऑन द लेफ्ट। इनपुट वे फ्रॉम जो है यह है इनपुट वे फ्रॉम 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट वी आई एंड टी, और जो सर्किट जो दिया था सर्किट कुछ इस तरह से दिया था, इसमें एक ए था, इसमें से जा रहा था, इसमें से ए आ रहा था, ए करके यहाँ पर गया, इसमें से ए आ रहा था, इसमें से ए गया, इसमें से ये आ रहा था, इसमें से ये था, इसमें से ये गया, इसमें से ये जाकर, इसमें से ये गया, या रेजिस्टेंस, इसमें से ये गया था, ये था।